आपने काफी अच्छा जो परफॉर्म किया और जैसा आप लोग जाकर जो है यहाँ से सूरत जाकर आप लोग जो है मेडल जीत कर आए हो और वहां पर जाकर उन लोगों के साथ जो है कम्पीट कर और मेडल लाना काफी जो है ये बहुत ही बड़ा बात है और इसके लिए जो है आप सभी के लिए जो है हम लोग को एक क्लैप करना चाहिए ताकि आप लोगों का जो मनोबल बढ़े और इस बार आप लोगों ने 29 मेडल जीते तमाशा करते हैं कि नेक्स्ट जब होगा तो होल अगर 50 मेडल्स होते हैं 50 में से आप लोग जो 50 लेकर आना है आप लोग जरूर लेकर न्यूज चैनल के हमारे रोहित सर हम जब यहाँ से एयरपोर्ट से जब हमने 4 तारीख को निकला था तब हमारा न्यूज कवर करने के लिए आया था आज रोहित सर आए हैं तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों से मिलने के लिए आए और मैं रोहित सर को मैं बोलूंगा कि हमारे बच्चे से मिले और हाथ जरूर मिलाए हमारे बच्चों के साथ में। Very happy to see the young hearts who have come back victorious from the Kudos Sports which took place in Surat. बहुत अच्छा लगा आप लोग से जाने के टाइम मिला बहुत उम्मीद था आप लोगों पर और उम्मीद आप लोग रखा है आप लोग सूरत में 29 मेडल्स जीता है देखिए ये स्पोर्ट्स जो है आपका लाइफ का एक फॉर्मेशन हम बहुत देखा है जो कराते में भाग लिया कोई भी स्टाइल हो खाली कूडो नहीं है कोई भी स्टाइल हो उन लोगों का मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड बहुत शार्प रहता है जैसा अक्षय कुमार जी है आज भी उसको देखिए वो तो यंग लड़का का था और हमारा ये पॉलिटिकल बात नहीं है राहुल गांधी जी ब्लैक बेल्ट होल्डर था तो उन लोगों को एनर्जी लेवल देखिए एनर्जी लेवल आपको मिलता है पढ़ाई तो चलते रहेगा पढ़ाई के बारे में हम ज्यादा ध्यान कभी भी नहीं दिया हम भी नहीं दिया हम एक एवरेज स्टूडेंट था आज हम ये सक्सेस हुआ क्योंकि हमारे पास जो डेडिकेटेड स्टाफ जो काम कर रहा है जैसा आपको कोच आपके लिए डेडिकेटेड काम किया है कोच रिजल्ट लेकर आया वैसे ही हमारा स्टाफ हमारे लिए रिजल्ट लेकर आया आप लोग ये जो आज जो चल रहा है आज आपका जो जो जगह में पहुंचा उसको ऊपर पहुंचना आप लोग को एक मोटो है पीक टू पीक एक समिट चढ़ा फिर नेक्स्ट समिट चढ़ा आप ऊपर तक पहुंचना कम से कम अंडमान का बच्चा एक कोई भी एक यू हैव टू प्रूव दैट हमारा बच्चा लोग कमी नहीं है मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा आप लोग जो भी कंपटीशन के लिए जो भी आपका जो चाहिए आई विल बी देयर एंड लास्ट 2 साल से ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है लास्ट 2 साल से हम स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कारण हम आज मेडिकल फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं मान लीजिए आपको मतलब अगर हम कुछ फंडिंग किया है वो फंडिंग से 3 आदमी का जान बचा सकता है तो आप बताइए कि आपको फंडिंग करना कि 3 आदमी का जान बचाना आप लोग बताइए 3 आदमी का जान बचाना ये एक बहुत मेरे लिए बहुत आदमी थोड़ा नाराज भी हो जाता है क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स लवर है हाल ही में आप देखा होगा हॉकी में पार्टिसिपेट किया फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया लेकिन जब जान का बात आ जाता है तो फंडिंग हमारा पास लिमिटेड हम तो कोई आउटसाइड सोर्स से तो फंडिंग नहीं ले रहा है हमारे ही फैमिली के अंदर में मेरा भाई का बच्चे लोग कोई भी बोलने से दे फंड इसी के अंदर में हम पेशेंट्स को भी देखना पड़ता कभी कभी मेडिकल में कुछ ये देना पड़ता इम्प्लीमेंट देना पड़ता जैसा किसी को पैर टूट गया उसका जो प्लेट्स
मेनलैंड से मंगा कर देना पड़ता। ऐसा कुछ हमारा काम जो हम सोचते हैं कि द सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सो आई एम डूइंग दिस सर्विस एज अ सर्विस टू गॉड। शायद आप लोगों के बीच में भी कोई ऐसा कुछ फंड का रिक्वायरमेंट है जो पेशेंट मेनलैंड जाना है, हमारा एक टीम काम कर रहा है। ये आपका माध्यम से बोलने मन था कि हमारा एक फुल फ्लेज टीम काम कर रहा है, तीन चार जन जो आपका अभी आज भी एक पेशेंट आया था मेरे पास जिसका कौशले नगर से बहुत गरीब है, बहुत रिक्वायरमेंट उसका है। सो वी विल डू एन एनालिसिस एंड देन गेट देयर। ये सो आज हम मालूम ही हमको क्या हुआ उस दिन एयरपोर्ट में जब आप लोगों सबको देखा, हम लोग नहीं इसमें हम पार्टिसिपेट करना, इसमें हम कुछ फंडिंग करना, इसमें आप लोगों का साथ। मेरे को लगा कि आप लोग एफिशिएंट है, आप लोग मतलब सिंसियर, आप मतलब डायमंड, सो आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग, आई नो दैट इज वेरी वेरी सिंसियर। आज इसलिए हम आपके साथ हम जोड़ा है। हम लोग ठीक है, एक तो एक आध स्पोर्ट्स तो हम लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। When the coach is so dedicated, I think it is a very very important measure that youngsters ko encourage karna. Shayad kal koi aisa ek position mein aayega, we'll all be happy to see somebody, you know, shine in this game. All the best. Thank you. सबसे पहले मैं respected भारत के टीएससी भाषा सर को मैं इस पर अपने हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो कल मुझे और दिग शाम को बुलाया और खुद एक ऑर्गेनाइज करके हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक होटल में, हम लोग होटल में एक खाने पीने का व्यवस्था किया। ये कोई सच्चा इंसान सोच सकता है कि हम लोग अभी कल ही हम लोग आए हैं, कल 12 तारीख को आया और शाम को तो हम दोनों को दीपक और मुझे बुलाया और शाम को ऑर्गेनाइज किया और कल ही रात ही को 7 बजे रात को ऑफिस में बुला के बोला हम आपका टीम मेंबर सबसे मिलना चाहता है और अप्रिसिएशन करना चाहता है। जो तो मैं भाषा सर को जितना दिल से बोलना चाहता हूँ, अपना अपना आत्मा से बोलना चाहता हूँ, ऊपर वाला से दुआ करता हूँ कि भास्कर सर जितना लोगों को अभी जैसा बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो किसी चीज़ में हो, तो पूरा दिल से आंख से आंसू आता है कि कौन इंसान किसी के लिए कितना करता है। कि हम लोग हर किसी को भास्कर सर से सोचना चाहिए और सीखना चाहिए कि एक लेसन लेना चाहिए हम लोग ले आज से जो भी है। हम लोग हम लोग जब तक पूरे करेंगे सर अंडमान में, मैं जब तक रहूँगा मैं आपका सब जुड़ा रहूँगा, हमेशा आपको एक मेरे पिताजी के जैसा रहेगा सर आप, और आपका ब्लेसिंग इन बच्चों, गरीब बच्चों को, बहुत से ऐसे कम्युनिटी के जिसमें बस बहुत कंडीशन, बहुत ऐसा चीज़ है सर, तो आप उसका ब्लेसिंग बस आप खड़ा रहना, कुछ बस खड़ा रहने से ही बहुत हम लोग लगता कि सर हम लोग के लिए मदद कर रहा है। और सर स्पेशली हम लोग किसी ने अपने सर को अप्रोच भी नहीं किया कि सर को कुछ तो कुछ फाइनेंस डोनेट करें, लेकिन सर अपना मर्जी से जाने से पहले, हम पहुँचने से पहले अकाउंट में पैसा अपना डाल दिया। जो भी कुछ कमी मेरे में बेसी हुआ, कुछ भी हुआ, मैं उसे फुलफिल किया और जो हम लोग उसका यूज किया, इसके लिए मैं आपको ट्रैप करने होना चाहता हूँ पूरे स्टोरी। और सभी और यहाँ पे जब तक मैं इस गुड़ों में करूंगा, मैं दिल से करूंगा और भास्कर सर जैसा काम करते हैं उसी वही सोच के मैं काम करूंगा और एक अच्छा इंसान बन के सबसे पहले है। और अगर मेरे से कभी किसी का मदद होगा तो 101% मैं भी करूंगा सर। तो मैं लाइफ में एक ही चीज़ सीखा है, ऊपर वाले ने 3 टाइम हम लोग खाना दिया है और मेरे से और भी ऐसा लोग है जिसको खाना नसीब नहीं होता, हमको तो छत दिया ऊपर और 3 टाइम मुझे खाना दिया है, वो खा सकता है, बस ये मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। मैं यही सोच के आज तक काम किया। भास्कर सर जैसा ईमानदार इंसान है, हम लोग को सबको बनना है उसके,
और लोगों के बीच में महल करना है। मैं आप लोग बोलो बहुत अच्छा गेम है और हम लोग के लिए जितना भास्कर सर मोटिवेट किया मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जब भी कुछ भी प्रोग्राम में और जब भी और नेक्स्ट टूर्नामेंट जब भी जाएंगे आपको बस आएंगे सर मिलेंगे मैं बच्चों को आप बस एक ब्लेसिंग दे दीजिए और इसी तरह फिर से कर दीजिए। मैं आपको दिल से जितना भी स्टूडेंट की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर।